संग करना चाहिए, बच्चों का समय करना चाहिए, समय समय पर थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके संतों के दर्शन के लिए आना चाहिए। हाँ, जहाँ भगवान के प्रेमी भक्त विराजते हैं। अब देखो, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, अच्छा है, इससे बड़ा लाभ है, हम सब लोग अपने घरों में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन इसी से संतुष्ट नहीं होना है। कभी कभी बीच बीच में वृंदावन आते रहना है, और वृंदावन में और कहीं भी जहां संत विराजमान है, देखो जहां संत विराजमान है वही तीर्थ है। संतों के विराजने पर तीर्थ की महिमा होती है। कहीं ऐसी कोई जगह है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन वहां अगर संत विराजमान है तो वो महाराज तीर्थ हो जाती है जगह। और अभी उसका प्रकाश नहीं है, देखो अभी उसका भले ही प्रकाश नहीं है, लेकिन जिस जगह पर रहकर किसी भगवान के भक्त ने भगवान और महाराज उन भगवान के को प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से देखा होगा, दर्शन किया होगा, तो वो स्थान वो तीर्थ हो जाता है। और आज भले ही उसका प्रकाश नहीं, उसकी महिमा नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो महाराज एक बड़े बड़े प्रसिद्ध तीर्थ के रूप में वो स्थान प्रकट। तो जहां संत विराजमान है वही तीर्थ है। तो जहां कहीं भी अच्छे भगवान के संत हों, प्रेमी भक्त रहते हों, वहां जाना चाहिए। और वहां महाराज जो संतों का संग करने की पद्धति है, एक विशेष पद्धति भी है संतों के दर्शन की, सत्संग करने की, संतों के सानिध्य में रहने की, उस विशेष पद्धति का पालन करते हुए संतों का संग करना चाहिए। उससे हमारे अंतःकरण का जो अभिमान है वो नष्ट होगा। अच्छा, गुण कौन से हैं जिनसे महाराज जिन 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 गुणों को पतिव्रता स्त्रियों को स्वीकार अपने हृदय में करना चाहिए, वो गुण कौन से हैं? सबसे पहला गुण है विश्वास। विश्वास विश्वास को ही कहते हैं भरोसा। भरोसा रखो ठाकुर जी पे। हैं जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उनको अपने प्रभु पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जितना जितना अधिक मात्रा में हमें ठाकुर जी की दया पे, कृपा पे भरोसा होगा, उतनी ही शीघ्रता से हमें भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। हमें ठाकुर जी की करुणा का, दया का, उनके सुंदर स्वभाव का अनुभव होने लगेगा। और यही बात पतिव्रता स्त्रियों के लिए है। पतिव्रता स्त्री को अपने पति के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और जो सेवा में कर रही है उस पर भरोसा होना चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि इस पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ही हमारा जन्म सफल हो जाएगा। ऐसा दृढ़ विश्वास, भरोसा उनको होना चाहिए। अपने सारे गुरु पर, जो मंत्र हम जपते हैं उस भगवान के नाम पर, मंत्र पर, और अपने इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। जब तक भरोसे में कच्चाई है, भरोसे में कमी है, तब तक हमारा साधन फलदायी नहीं होगा। और जब भरोसा दृढ़ हो जाएगा, दीर्घ काल के साधन से जब भरोसा दृढ़ हो जाएगा, तो महाराज ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, प्रभु तो हमारे पास हैं, अंतर्यामी रूप से सबसे निकट हैं। जितना निकट हमारे प्रभु हैं, उतना निकट कोई दूसरा है ही नहीं। ठाकुर जी जितने निकट हैं, उतना निकट कोई दूसरा नहीं। जिनको हम बहुत निकटस्थ मानते हैं ना, वे भी बहुत दूर हैं। सबसे ज्यादा निकट हमारे, सबसे ज्यादा पास हमारे ठाकुर जी हैं। जब भरोसा हो जाएगा कि प्रभु हैं और यही हैं, मेरे पास हैं, मुझको दर्शन देंगे, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रगट होइ में जाना है। प्रेम ते प्रगट जिमी प्रगट हो जाते हैं, जैसे लकड़ी में से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो महाराज ये जो भरोसा है, यही हमारे मार्ग में हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भरोसा और श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास, ये ही दो ऐसी
आध्यात्मिक कुंजियां हमारे पास हैं जो हमें शीघ्र अति शीघ्र श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों की प्राप्ति करा देंगे। श्रद्धा और भरोसा, श्रद्धा विश्वास, तो महाराज सबसे पहला है विश्वास, विश्वास होना चाहिए। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाल की जय। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं और ठाकुर जी हमारे बड़े सुहृद हैं। भगवान हमारे सबसे अधिक सुहृद हैं और भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवान सर्वज्ञ हैं। ये भरोसा हमें होना चाहिए। सर्वज्ञ हैं माने वे हमारी हरेक जरूरत को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, ये भरोसा होना चाहिए, जो चाहे। और महाराज वे हमारे परम सुहृद हैं, हमारे हमारा बुरा नहीं, हमारा भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमारे सर्वज्ञ हैं, हमें जो चाहे सो दे सकते हैं। तो फिर क्यों देर करते हैं? वे देर इसीलिए करते हैं क्योंकि वे हमारा भला चाहते हैं। इसको कुछ दे दिया जाए, उल्टा सीधा ये जो मांगता है वो दे दिया जाए और फिर इसका दिमाग बिगड़ जाए, बुद्धि खराब हो जाए, फिर उसी चीज में फंस करके मुझे भूल जाए, तो इसलिए ये तो बड़ी हानि हो गई, ये तो बड़ी हानि हो जाएगी साधक की। तो इसलिए भगवान नहीं देते, नहीं तो ठाकुर जी जो चाहे सो दे सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। जो चेतन कहूं जड़ करें, जड़ ही करे चेतन। जो महाराज जड़ को चेतन कर दें, चेतन को जड़ कर दें, अस समर्थ रघुनायक ही भजे ही जीवते धन्य। जो ऐसे समर्थ भगवान को भजते हैं वे जीव धन्य हैं। जो महाराज तिनके को ब्रह्मा बना दें, एक तिनके को ब्रह्मा बना दें, ब्रह्मा जी का पद प्रदान कर दें और ब्रह्मा को तिनका बना दें, ऐसी सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य भगवान की है। तो ऐसी सामर्थ्य है, इसीलिए हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा चाहिए। जो हमारे लिए हितकर होगा, लाभकारी होगा, वो ठाकुर जी कृपा करके हमें प्रदान करेंगे। दूसरा जो गुण है वो है पवित्रता। सेवा में हम चाहे पति की सेवा करें, माताएं, अथवा श्री ठाकुर जी की सेवा करें, गुरुदेव भगवान की सेवा करें, संतों की सेवा करें, उसमें पवित्रता विशेष होनी चाहिए। हमारा अपवित्र जीवन, अपवित्र आचार विचार, रहन सहन सेवा में बड़ा बाधक, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए हमें पवित्रता के नियमों का पालन करना चाहिए। शरीर की पवित्रता होती है जब, और मन की पवित्रता होती है भगवान की कथा सुनने से, भगवान के नाम के स्मरण से, जप से। मन की पवित्रता, सम दम आदि, सम दम यम नियम, और ये जो लक्षण हैं, गुण हैं, इनसे भी मन की अंतःकरण की पवित्रता होती है। व्रत है, तीर्थ या तीर्थाटन है, तो मन की पवित्रता के लिए साधन करते ही हैं। शरीर को भी पवित्र जितना हो सके, जितना बन सके, शरीर को पवित्र रखना चाहिए, और फिर शरीर पवित्र शरीर से ही सेवा होगी। हैं? तो माताओं को, यदि पतिदेव को पवित्रता अपेक्षित है, पतिदेव चाहते हैं। अब बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो खुद ही पवित्र नहीं रहते, अब जो खुद ही पवित्र नहीं रहते तो वो दूसरे से भी पवित्रता की अपेक्षा नहीं कर सकते।
जब स्वयं पवित्र रहते होंगे तभी तो उनको अच्छा लगेगा कि भाई ये हमारी जो गृहिणी है वो स्नान करके पवित्र होकर के ही रसोई में घुसे और फिर स्नान करके पवित्र होकर के ही सब व्यंजन बनावे, भोजन आदि पदार्थ बनावे और वो ठीक से अपना वो सब कर्तव्य का पालन करें। अब जो जिन्हें स्वयं ही नहाने धोने का नियम नहीं है वो तो महाराज कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम नहा करके जो स्वयं पवित्रता रखते होंगे वही ऐसी इच्छा रखेंगे कि हमारी जो गृहिणी है, जो पत्नी है, वो पवित्र होकर के रसोई में सब कार्य करे। तो यदि पतिदेव को ऐसी अपेक्षा है तो पवित्रता का नियमों का पालन करना चाहिए और पवित्रता के नियमों का पालन हम सबको करना ही चाहिए। तो महाराज ये बात है। तीसरी बात है गौरव। गौरव माने गर्व। गर्व और अहंकार में थोड़ा कुछ अंतर, वो महाराज ये होता है कि अहंकार तो ये होता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ये तो अहंकार होता है। लेकिन अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे, अपने अपने ठाकुर जी के नाम पर, मंत्र पर भरोसा होना और ऐसी मन में बात रहना कि हमारे गुरु ही सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे प्रभु ही सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे, लेकिन अपने इष्ट में, अपने गुरु में, अपने नाम में, अपने मंत्र में हमें गौरव बुद्धि होनी ही चाहिए। गोस्वामी जी ने भी एक रामचरितमानस में कहा, एक चौपाई में, कि अस अभिमान जाऊ जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा गौरव, ऐसा अभिमान, ये इसकी आवश्यकता है। ये बड़ा महाराज महत्वपूर्ण है, आदर करने योग्य है। क्या अभिमान? कि मैं, मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। ऐसा अभिमान मन में रहना चाहिए, ऐसा गर्व रहना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हम भगवान के हैं इसलिए हम कोई ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे जिससे श्री ठाकुर जी का नाम लजा जाए, भगवान को लज्जा हो, ऐसा काम नहीं कर, जिसे सुनकर हमारे गुरुदेव लज्जित हों, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम गुरु के शरणागत हैं, हम ठाकुर जी की शरण में। कोई ये दोष न लगावे कि अरे देखो ये कैसे गुरु के चेला हैं, इन्होंने सब नाम डुबा दिया, ऐसा नहीं। हाँ, ये गौरव, ये अभिमान रहना चाहिए। पत्नी को भी ये अभिमान, ये गौरव रहना चाहिए कि हमारे पतिदेव सबसे अच्छे हैं। अपने पति के प्रति गौरव बुद्धि होनी चाहिए। गौरव बुद्धि होगी तभी वो सेवा बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। दोष बुद्धि होगी, अपने पति में दोष देखती होगी पत्नी, तो वो सेवा करेगी? नहीं करेगी। अरे वो सोचेगी कि हमारी सेवा करते हैं, इनसे तो हम बढ़िया, इनसे तो लागवट हम बढ़िया। अब जब हम बढ़िया तो ये तो हमारी सेवा कर दे, हम इनकी क्या सेवा करें? तो ऐसी बुद्धि रखना कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, ये तो बेकार हैं, किसी काम के नहीं, और इनके चक्कर में तो हम वैसे ही पड़ गई, हमारा तो जीवन खराब हो गया। ऐसा माताएं कुछ सोचती हैं, बहनें, अरे हम तो बड़े गलत फंस गए, हमारे माता पिता ने तो हमको यहाँ एकदम इधर डाल दिया, ऐसे डाल दिया, हम तो फंस गई। तो ये जो बात है ये बड़ी खराब है, ऐसी नहीं सोचना चाहिए। हमारे पति साक्षात प्रभु ही हैं, हमारे ठाकुर जी ही हमें पति रूप में प्राप्त हुए हैं और उनकी सेवा हमारा सर्वोपरि धर्म है और उनके अतिरिक्त दूसरा पुरुष संसार में कोई है ही नहीं, उनके अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं है। इनसे हमारा जन्म जन्म का जीवन का नाता है और इनकी चरणों की सेवा से ही हमारा उद्धार होगा। और ये सच्ची बात है महाराज। स्त्री, कोई विवाहिता स्त्री जिसका पति वर्तमान हो, जीवित हो, उसके कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है। अपने पति की सेवा का त्याग कर दे और वो चाहे कि मेरा भला किसी दूसरे साधन से हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पति की सेवा करते हुए, पति को संतुष्ट रखते हुए आप भजन करें, साधन करें, कथा सुने, सब काम करें, अच्छी बात है। लेकिन महाराज पति की सेवा न करी और पति
वो महाराज नाराज रहे आए, उनसे कभी बैठ करके मीठी बातें नहीं करी और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो महाराज फिर तो स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए हमें बड़ा कठिन लगता है। इनके लिए तो एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नीमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नीमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। इनके लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि मन वचन क्रिया से पति के चरणों में प्रेम करे। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये बातें तो हम कहते ही हैं और ये अच्छी बातें हैं, इसी के साथ साथ पतियों के भी कुछ धर्म हैं, पतियों पुरुषों के भी कुछ अपनी पतिव्रता स्त्रियों के प्रति कर्तव्य हैं, उन उन कर्तव्यों को निर्वाह करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और यदि वे ऐसा नहीं करते तो फिर महाराज कोरा पत्नियों को दोष दें और उनसे ऐसी अपेक्षा रखें कि हम तो भले ही सर्व साधन शून्य हैं, हमने तो अपने सब कर्तव्यों को हाथ जोड़ रखा है, खूंटी पे टांग रखा है, लेकिन पत्नियों से ऐसी अपेक्षा करें कि ये हमारी सेवा करें, ये हमको परमेश्वर जाने और ये तो हमें बड़ी श्रद्धा करें, हमारी आज्ञा का पालन करें, तो ये बात उनको उनके लिए अनुचित है, उनको नहीं करना चाहिए। हमारा निवेदन ये है कि पति जो है, पुरुष जो है, वे अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें, और जो माताएं हैं वे अपने धर्म का पालन करें, दोनों का जीवन सुखमय हो जाएगा महाराज, इसी पृथ्वी पर आपके घर में ही स्वर्ग प्रकट हो जाएगा, स्वर्ग और कहीं स्वर्ग नहीं, यही धरती पर स्वर्ग प्रकट हो जाएगा, ऐसा यदि अपने अपने धर्म का पालन सब करें तो। और यदि ऐसी स्थिति है कि बहुत सी माताएं कहती हैं, अरे महाराज आप तो कितने पतियों की सेवा करो, हमारे पति ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, कैसे सेवा करें, तो महाराज उनके लिए हम निवेदन करते हैं, भैया फिर कुछ ना बने तो श्री ठाकुर जी का भजन करो, राम राम करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, अब क्या है भैया नहीं बनती तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति से सब प्रकार के जो जो दोष हैं, जो पाप हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। देखो ये जो बात है वो सामान्य धर्म है, पति की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, भाई बंधुओं से प्रेम रखना है, सब अपने परिवार के सब निजी जनों से उनकी सेवा करना, से ये सब है लौकिक धर्म को कहते हैं सामान्य धर्म। एक हम सब लोगों का विशेष धर्म है, विशेष धर्म क्या है, विशेष धर्म ये है कि भजहु राम सब काम बिहाई, ठाकुर जी की भक्ति ये हमारा परम। यदि इस विशेष धर्म के पालन में कोई संसार का लौकिक धर्म, ध्यान से सुनिए, विशेष धर्म के पालन में कोई लौकिक धर्म बाधा बनता है तो वहां लौकिक धर्म का त्याग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, कहीं किसी घर में ऐसी स्थिति हो कि पत्नी तो चाहती हो भगवान का भजन करना लेकिन पति है विमुख, एकदम संतों से विमुख, ठाकुर जी से विमुख, वो भजन नहीं करने देते, तो महाराज वहां पति के त्याग की भी बात है, उनकी आज्ञा का पालन वहां करने योग्य नहीं है, जब वे कहते हैं भगवान का भजन मत करो, हम तुम तो हमारी सेवा में लगी रहो, नहीं उनको ऐसा नहीं कहना जी, वे हमारे विशेष धर्म में यदि कोई बाधा बनता है तो वो त्यागने के योग्य है। देखो माता पिता कहते हैं माता पिता भगवान ही हैं और वास्तव में भगवान है, उनकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत मना किया, भगवान का भजन मत करो, प्रहलाद जी ने नहीं माना, भगवान का भजन करते रहे, क्या हुआ, प्रहलाद जी का कोई अनिष्ट हुआ, बुरा हुआ, नहीं हुआ, प्रहलाद जी की कीर्ति सारे त्रिभुवन में फैल गई, 14 लोकों में प्रहलाद जी का यश गाया जाता है, माता को तो महाराज भगवान से भी ज्यादा माना गया, भरत जी ने मांसाहार कर दिया,
माता की सेवा नहीं करी, राम जी के विरोध में माता खड़ी हो गई तो माता का क्या कर दिया? कभी माता से महाराज आंख में आंख मिलाकर बोले नहीं भरत जी। राम जी ने बहुत कहा उनसे बाद में आने के बाद, लेकिन उनकी मन की जो ग्लानी थी वो दूर नहीं हुई, माता का त्याग कर दिया। तो क्या भरत जी को कोई दोष लगा, कोई पाप लगा? नहीं, भरत जी को कोई दोष नहीं। उन्होंने अपने विशेष धर्म के पालन में लौकिक धर्म का त्याग कर दिया, उससे उनको कोई दोष नहीं लगा। उनका यश, उनकी कीर्ति महाराज गाई जा रही है, देवताओं की सभा में भरत जी की चर्चा होती है, भरत जी के गुणों का गान करते हैं देवता। और महाराज गुरु, गुरु तो साक्षात प्रभु ही हैं, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने मना किया कि भैया ये वामन विष्णु भगवान है, नारायण है, मेरी बात मान लो, इनको जो तुमने दान देने का संकल्प किया है उसे पीछे हट जाओ, झूठ बोल दो। तो बलि जी ने गुरु जी को नमस्कार कर लिया, बोले गुरु जी जाओ आप ठंडे ठंडे जाओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अरे साक्षात प्रभु नारायण मेरे द्वार पर आए, दरवाजे पर आए, और आप कहते हैं उनसे झूठ बोल दो, असत्य बोल दो, मना कर दो, ये मुझसे नहीं होगा। जो प्रभु सारे त्रिलोकी को देने वाले हैं, आज वो मेरे यहाँ मांगने आए हैं, तो इस मौके को मैं नहीं चूकूंगा, वे जो चाहे सो ले लें, प्रसन्नता पूर्वक ले लें। मैं भी प्रहलाद जी का पोता हूँ, मैं भगवान को जरूर दूंगा। तो जब गुरु भगवान की प्राप्ति में बाधक हो गए तो गुरु का भी त्याग कर दिया गया। और महाराज ब्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया, है पतियों का त्याग कर दिया। वो उन्होंने रोका, श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं यमुना जी के तट पर, और गोपियां भागी दौड़ी चली ठाकुर जी की ओर। उस समय उनके पतियों ने, सास ससुर ने उनको रोका, पति तो परमेश्वर है, हैं, पति की सेवा ही सबसे बड़ा स्त्री का धर्म है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति में बाधक हो गए, उन्होंने उनका त्याग कर दिया। और वे महाराज किसी दोष की भागी नहीं बनी, उनका यश, उनकी कीर्ति अमर हो गई, अजर हो गई, आज भी उनकी कीर्ति का गान किया जाता, गोपी प्रेम की ध्वजा बन गई है। तो पतियों का त्याग करने पर भी दोष नहीं लगा, अगर हम ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। अगर देखो, अगर हमारी भक्ति में कच्चाई है तो लौकिक धर्मों का पालन करते रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि लौकिक धर्म भी त्याग दिए और भगवान के भक्ति के मार्ग पर भी हम नहीं चल पाए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, नाश हो गया, ऐसा नहीं करना। हाँ, लौकिक धर्म का त्याग तब करना जब भक्ति हृदय में पूरी सराबोर हृदय हो जाए भक्ति से। अब ऐसा लगे कि हरि बिनु ना सरेरी माई, मीरा जी का भाव है कि अरी अरी सखी, अब हरि बिनु ना सरे, भगवान के बिना नहीं काम चलता। जब ऐसी अंतःकरण की स्थिति बन जाए तो फिर संसार रूठे चाहे छूटे, कोई राजी हो चाहे कोई प्रसन्न हो, बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। छोड़ गई कुल की कान, कुल की मर्यादा लज्जा सब त्याग दी, अब हमें कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण।